हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हम नया घर बनाते हैं, यानी कि प्लास्टर से लेकर लास्ट में फाइनल पेंट करते हैं वहाँ तक की पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। यानी कि आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कि पेंट किस तरह से करना है, हमें पहले व्हाइट सीमेंट करनी चाहिए, पुट्टी करनी चाहिए, प्राइमर करना चाहिए और लास्ट में पेंट करना चाहिए, और कौन कौन से पेंट अच्छे होते हैं वो सब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरी माहिती मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेंट हमें करना क्यों चाहिए। तो दोस्तों, इससे कुछ फ़ायदे मैं आपको पहले वो बता देता हूँ और फिर आगे की डिटेल देता हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, पेंट करने से एक तो होता है हमारे घर या फिर हमने जो मकान बनाया है उसके आयुष्य लंबी हो जाती है, यानी कि वो ज़्यादा टिकता है और उसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है। और दोस्तों, ये करने से हमें एक और भी फ़ायदा होता है, जैसे कि हम मकान में पहले प्लास्टर आपको देखते हो छोटे मोटे क्रैक्स वगैरह सब होते हैं वो भी फिलअप हो जाते हैं और उससे जो वॉल की फिनिशिंग है वो काफ़ी निखर के आती है और हमें एकदम रिच लग्जरी फिनिश मिलता है। तो इस वजह से हमें पेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंटीरियर वॉल के लिए हम कौन कौन से पेंट और किस तरह से प्रोसेस होती है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, नए वॉल या फिर नया मकान होता है तो सबसे पहले प्लास्टर पर हमें 15 से 20 दिन तक क्योरिंग करनी पड़ती है, यानी कि पानी का छिड़काव करके उसे अच्छे से प्लास्टर को अच्छे से रेडी करना पड़ता है। वरना कई बार ऐसा होता है कि पता है कि पानी अच्छे से सक नहीं करता है, तो जब हम इमरजेंसी यानी कि प्लास्टर किया है 2-4 दिन के बाद हम वॉल पुट्टी या फिर पेंट करने लगते हैं तो उसमें हमारा जो कलर होता है वो प्लास्टर सब कर लेता है और अच्छे से फिनिशिंग नहीं देता है। हाँ, तो दोस्तों, हमें ये बात तो खास ध्यान रखनी है कि 15 से 20 दिन तक क्यूरिंग करनी है। पानी से क्यूरिंग करने के बाद अच्छे से प्लास्टर को सूखने देना है, कहीं पर डैम्प या फिर पानी के धब्बे या फिर वाइट जो फंगस जैसा होता है वो सब दिखता है तो उसे हटाकर फिर हमें आगे की प्रोसेस करनी होती है, वो सब दिखना नहीं चाहिए, वहाँ तक सूखने देना है। तो दोस्तों, ये सब हमने क्यूरिंग वगैरह कर ली, उसके बाद हमारी बात आती है कि अब इसके बाद क्या करें। तो सबसे पहले होती है दोस्तों वायर ब्रश या फिर पुट्टी ब्रश, उसकी मदद से जो प्लास्टर की सरफेस होती है वहीं पर कहीं पर दानी होती है प्लास्टर की या फिर धूल मिट्टी है वो सब चिपका होता है तो उसे अच्छे से साफ करना पड़ता है। उसके लिए आप पुट्टी करते हो वो ब्लेड यूज़ कर सकते हो या फिर वायर ब्रश मैंने जैसे बताया वो सब यूज़ करके अच्छे से साफ़ कर सकते हो। तो साफ़ करने के बाद हमें एक बार उसे फिर से पानी से धो लेना है और हमारा जो प्लास्टर सरफेस है उसे सूखने देना है। उसके बाद कई बार होता है दोस्तों, मैंने देखा है कई लोग डायरेक्ट वॉल पुट्टी अप्लाई करते हैं और कई बार दोस्तों प्राइमर भी लगा के फिर उसके बाद वॉल पुट्टी अप्लाई करते हैं, और कई जगह पे वाइट सीमेंट पहले करवाते हैं और उसके बाद पुट्टी या फिर प्राइमर वो सब करवाते हैं। तो दोस्तों, सबके अलग अलग तरीके होते हैं और डिपेंड होता है आपको कैसे करवाना है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आपको वाइट सीमेंट करने के बाद वॉल पुट्टी कैसे करनी है वो प्रोसेस। पहले तो वाइट सीमेंट को हमें अच्छे से मिक्स करना होता है, जैसे कि हम घोल बनाते हैं एक पेस्ट जैसा हम लगा सके ब्रश की मदद से वैसा पेस्ट तैयार करना होता है। और 50 kg की जो होती है MRP वाइट सीमेंट की वो 900 से 1200 तक जाती है। आप बिरला या फिर JK कंपनी की वाइट सीमेंट अच्छी होती है वो यूज़ कर सकते हैं। वो दोस्तों आपको 800 से 900 स्क्वायर फीट कवर करके देगी। ये आप ज़्यादातर दोस्तों एक्सटीरियर वॉल यानी कि दीवार के जो बाहर की साइड है वहाँ पे जहाँ पे बारिश का पानी आता है वहाँ पे ये वाइट सीमेंट करवाओगे तो एक छोटा सा हमें एक अलग से बेनिफिट मिलता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इंटीरियर साइड पर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता है कि आप वाइट सीमेंट पहले करवाओ। हाँ, अगर आप इंटीरियर वॉल यानी कि घर के अंदर की साइड जो करवाना चाहते हो तो वहाँ पे पहले प्राइमर करवा सकते हो और उसे सूखने के बाद उसके ऊपर वॉल पुट्टी करवा सकते हो। प्राइमर इसलिए फिर वो डिपेंड होता है कि जो कहीं पे भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर वगैरह सब करना होता है प्लास्टर को तो वो सब कर लेता है और उसके बाद हमारी वॉल पुट्टी लगाएंगे तो वो अच्छे से फिनिशिंग देता है। बात करते हैं दोस्तों वॉल पुट्टी कैसे लगाते हैं। वॉल पुट्टी के 2 कोट लगाने हमेशा ज़रूरी होता है। ये दोस्तों इसीलिए हमें ज़रूरी होता है क्योंकि जो 1 कोट में हमें फिनिशिंग नहीं देगा 2 कोट में काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग देगा और हमारा रिजल्ट है काफ़ी अच्छे से आएगा। 2 कोट के बाद दोस्तों हमें तकरीबन 1 से 2 दिन वॉल पुट्टी को अच्छे से सूखने देना है। ये ऐसा नहीं करना है कि दोस्तों आज के और कल सुबह आके हम उसे सैंडिंग करने लगे और फिर आगे की प्रोसेस करने लगे। दोस्तों वॉल पुट्टी को बारिश के समय पर 2 दिन और सूखने का टाइम देता है क्योंकि बारिश होती है तो मॉइस्चर वाला होता है इसलिए वो सूखने में टाइम ज़्यादा लेता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा बारिश के टाइम पर आप ऐसा वॉल पुट्टी या फिर पेंट का कलर मत करवाओ। गर्मी या फिर जो हमारे ठंड के मौसम होता है उस टाइम करवाओगे तो काफ़ी अच्छा रहता है और पेंट सूख भी जल्दी जाता है और फिनिशिंग भी देता है। इसलिए हम आपने देखा होगा मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि हम बारिश के टाइम पे या फिर बारिश आ रही है उस टाइम पेंट वगैरह नहीं करते हैं। उसका यही कारण होता है कि उसके अंदर मॉइस्चर होता है और अच्छे से सूखने नहीं देता है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया
वॉल पुट्टी को 1 से 2 दिन सूखने दो, सूख जाए उसके बाद उसे अच्छे से सैंडिंग करना होता है। सैंडिंग करने के लिए आप 150 नंबर का पेपर यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप 220 नंबर या फिर 320 नंबर का सैंड पेपर यूज़ करके अच्छे से वॉल की फिनिशिंग कर सकते हो। जैसे ही फिनिशिंग हो जाए उसके बाद हमें वॉल है उसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के लिए आप वो झाड़ू या फिर कपड़े की मदद से अच्छे से वॉल को क्लीन कर दो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमें प्राइमर कौन सा यूज़ करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्मार्टकर डैम्पसीट यूज़ करो। ये इसके अंदर थोड़ी डैम्पनेस को कम करने वाले क्वालिटी और गुणवत्ता होती है। या फिर आप नॉर्मल करना चाहते हो तो इंटीरियर वॉल प्राइमर करके आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, जो फिर अच्छी क्वालिटी के प्राइमर होते हैं वो वाले यूज़ कर सकते हो। दोस्तों प्राइमर कैसे करना है उसके लिए मैंने ऊपर आई बटन में एक वीडियो दिया है, वो वहाँ पर जाके आप पूरी प्रोसेस देख सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वॉल प्राइमर के कितने कोट लगाने चाहिए। ज़्यादातर पेंट भाई होते हैं वो एक कोट ही करते हैं वॉल पुट्टी के ऊपर और उसके बाद पेंट वगैरह कर देता है। पर दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम वॉल पुट्टी को हमने पाउडर फॉर्म में बनाई थी तो वो सूखने के बाद फिर से पाउडर होके दीवार पे चिपकी है, तो वहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म होता है उसे सक करेगी। हम प्राइमर होता है उसके 2 कोट लगाएंगे तो अच्छे से वो सक करेगी और आगे जो हम पेंट करेंगे वो कम से कम सक करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिच फिनिश देगी। इसलिए हमें प्राइमर के 2 कोट करने ज़रूरी होते हैं। दोस्तों प्राइमर को कम से कम 4 से 6 घंटे सूखने देना होता है और उसके बाद हमें पेंट लगाना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पेंट कैसे करना है। पेंट करने के लिए दोस्तों आप कोई भी पेंट का यूज़ कर सकते हो आपका बजट के हिसाब से। जैसे एशियन पेंट का टेक्टर इमल्शन होता है या फिर प्रीमियम इमल्शन है या फिर लग्जरी इमल्शन। लग्जरी इमल्शन दोस्तों एक रिच लुक वाला होता है और वो कॉस्टली होता है, 500 रुपये से स्टार्टिंग होता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर आप किस तरह से करवाना चाहते हो। और दोस्तों इसके भी मिनिमम 2 कोट करने ज़रूरी होते हैं। अगर आप कोई डार्क कलर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको शायद ज़रूरत पड़ सकती है 3 कोट करने की, तो आपको वहाँ पे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे 2 कोट या फिर 3 कोट करना होता है। और दोस्तों मिनिमम आपको 2 कोट तो करना ही है। अगर ये भी आपको वीडियो देखनी कि पेंट कैसे करते हो और उसके जो सही तरीका है वो क्या है, तो ऊपर आई बटन में वीडियो उसके भी शो हो रहेगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पेंट को सूखने के लिए कितना टाइम चाहिए। 1 कोट के लिए हमें कम से कम 3 से 4 घंटे होने देना है और उसके बाद ही हमें दूसरा पेंट या फिर दूसरा कोट लगाना होता है। तो ये एक सही और आइडियल प्रोसेस होती है, आपको यही फॉलो करनी है। दोस्तों मॉइस्चर वाले वातावरण आपका है तो उसे थोड़ा 1-2 घंटे ज़्यादा सूखने दें ताकि जो कलर है वो पिछले प्राइमर या फिर वॉल पुट्टी पर अच्छे से हो सके और उसके बाद फिनिश दे सके। आप 1 कोट गले पर दूसरा कोट कर दोगे तो वो कोई मतलब नहीं रहता है, एक ही कोट बन के रह जाता है क्योंकि वो एक साथ तक होगा। अच्छे से 1 कोट सूखने देना है फिर दूसरा कोट लगाना है और दोनों के बीच में 4 से 6 घंटे का गैप देना है। तो दोस्तों ये था कुछ पेंट के डिटेल के बारे में, आपको पता लग चुका होगा किस तरह से हमें पेंट वगैरह करना है या फिर वॉल पुट्टी प्राइमर और लास्ट में पेंट करना है, ये पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। तो दोस्तों ये था इंटीरियर वॉल को किस तरह से फिनिश करना है और किस तरह से पेंट वगैरह करना है वो पूरी प्रोसेस। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना ताकि आने वाली सारी पेंटिंग के रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और जैसे मैंने आपको बताया पेंटिंग रिलेटेड वीडियो देखनी है तो एक बार हमारे होम पेज पे भी विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी पेंटिंग रिलेटेड डैम्प आपके घर में आते हैं तो उसके रिलेटेड या फिर और बहुत सारी अनबॉक्सिंग वो सब वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों एक और बात मुझे बताना, आपको एक्सटीरियर वॉल की जो पूरी प्रोसेस है वो जानना है तो वो भी कमेंट में बताओ कि हमें वो जानना है, तो मैं उसके ऊपर एक आपको फिर से ऐसी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा और पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले बाय बाय, अपना ध्यान रखना।